ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा सर, आपको भाई बुला रहे हैं जी। मैं अपनी बात करूं, एक जोक मेरे को याद आ रहा है। हाँ, हाँ, भाई मैं भी चाहता हूं कि मेरे को दुनिया बुलाए जी, लेकिन उससे नहीं चाहता जैसे मैं चाहता हूं। नहीं बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो दुनिया में एक ही होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। बिल्कुल, अगर बात पॉलिटिक्स की है तो बहुत सिंपल सी बात जी। है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा सोसाइटी आपको बहुत कुछ देती है, सोसाइटी क्या देते हो, क्या देते हो? मैंने दो झोपड़ियों से दो बड़े शानदार स्कूल बिल्कुल सर। आज मैं बल्लभगढ़ में जन्मा हूँ, पला हूँ, बड़ा हूँ, मैं वहाँ की परेशानियों को जानता हूँ, वहाँ के लोगों को जानता हूँ, उनके लोगों से मैं रूबरू बहुत डेली होता हूँ, तो मुझे लगता है कुछ बड़ा करना है। हेलो हाय व्हाट्स अप, वेलकम बैक वंस अगेन। बंदे का नाम आरजे अर्जुन है, शो का नाम है जॉकी टॉकी। जी हाँ, एक और बार आपका बहुत बहुत स्वागत है जॉकी टॉकी शो में। जॉकी यानी हम और टॉकी यानी हमारी बातें। और इस बीच आज के एक और नए मेहमान है हमारे, भारत भूषण जी। लोग इनको भाई भारत भूषण जी के नाम से भी जानते हैं। एक तो है बॉलीवुड के भाई जानते होंगे आप, और एक है हमारे समाज के भाई, क्योंकि ये समाज सेवा में इनका बहुत बड़ा योगदान है। चाहे वो हम स्कूल की बात करें, जरूरतमंदों को फ्री शिक्षा की बात करें, धर्म को लेकर बात करें, धर्म को लेकर बढ़ावे की बात करें, तो ऐसे कई मुद्दे आजकल सुनने में आया है कि सर विधानसभा एमएलए के इलेक्शन पे भी खड़े होने वाले हैं और समाज सेवा को बढ़ावा देना है। तो सर आप बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका हमारे शो जॉकी टॉकी में। जी अर्जुन जी, थैंक यू यहाँ बुलाने के लिए और मुझे इतना अच्छा जॉकी टॉकी शो के अंदर एक पार्टिसिपेंट के रूप में लाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और सर कैसा लग रहा है सबसे पहले तो आज आपको? बहुत डिफरेंट और उससे भी अच्छा लग रहा है जिस तरीके से हम बात करते हैं। तो मैं तो सच में कहूंगा कि आप, मुझे तो लगता है कि फरीदाबाद और आपने एनसीआर के नंबर वन आरजे आप होंगे, और आरजे अर्जुन तो मतलब ये बिल्कुल ऐसा जमता है आपके ऊपर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू जी। और सर हमने ये भी सुना कि आपका स्कूल भी, आप स्कूल भी चला रहे हैं, कुंदन ग्रीन वैली नाम से स्कूल है, और सुनने में ये भी आया है कि इनके स्कूल से ओलंपिक्स में भी बच्चे निकलते हैं। तो सर ऐसा क्या आप बच्चों के लिए कर रहे हैं, आप ऐसा क्या डेवलपमेंट जो और नहीं कर पा रहे वो आप हमको बताइए। अर्जुन, सबसे ज्यादा जो जरूरत होती है लाइफ में, हाँ, वो स्पार्क की होती है, स्पार्क की होती है। आपका जो शो है इतना ज्यादा देखा जाता है, सुना जाता है, क्योंकि आप एक स्पार्क देते हैं। अर्जुन हमेशा हंसते हुए बात करते हैं, तो मैं जब भी स्कूल में रहता हूँ तो मैं कभी ऐसा फील नहीं कराता कि मैं ऑनर हूँ या मेरे स्कूल है या मैं यहाँ सबसे बड़ा बॉस हूँ। मैं बच्चों से बिल्कुल आराम से बहुत प्यार से बात करता हूँ, क्योंकि जब यूथ जो होता है ना, वो अगर आप उसको दोस्त बना ले, तो दोस्त बनाने का मतलब है वो आपको अपने सच्चे दिल की बात सारी बता देगा, चाहे वो किताबों से रिलेटेड हो, बिल्कुल, चाहे वो कुछ और हो, चाहे शैतानिया हो, शैतानिया हो। तो वहां से आपको एक मौका मिलता है कि आप उनको मोटिवेट कर सके, मोटिवेट, आप उनकी सही डायरेक्शन को पकड़ सके, सही तरीके से आप बता सके उनको कि भाई जीवन के लिए क्या जरूरी है। और जब हम ये पकड़ लेते हैं तो हमें पता चल जाता है ये सुपर स्टार बनने वाला है, ये आरजे बनने वाला है, या फिर ये चैंपियन बनने वाला है। सही बात है। तो चैंपियन बनने के लिए हमारे पास मनीष नरवाल, हमारा पैरा ओलंपिक शूटर, जो आज वर्ल्ड नहीं पूरा वर्ल्ड के अंदर, देश के अंदर भी फेमस है, वो उसका रीजन यही है क्योंकि जब हमने उसका स्पार्क देखा कि इस शूटिंग में है, तो उस बच्चे ने धमाल मचा के रखा हुआ है। पैरालंपिक में पहला स्कूल मेरा फरीदाबाद के अंदर है जिसने बच्चे में पढ़ते हुए पैरालंपिक का गोल्ड मेडल लिया और नरेंद्र मोदी जी से अवार्ड भी लिया और आप देश का नाम भी रोशन किया। बहुत बड़ी बात है सर, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जी। और सर आपके स्कूल से मुझे एक बात भी, एक और बात ध्यान में आई, आप अचीवमेंट पे अचीवमेंट दिए जा रहे हैं जी। एक और मैं आपके अचीवमेंट के बारे में बहुत बड़ी बात करूंगा। लोग अक्सर अपने स्टार्टअप का शुरुआत करते हैं, अपने जैसे मान लीजिए स्कूल का ही शुरुआत करा, तो पहले बिल्डिंग खरीदेंगे, कहीं बनाएंगे। हमने सुना कि आपने अपने स्कूल की शुरुआत एक झोपड़ी से करी थी, दो झोपड़ी से, और आज वो इतने बड़े मुकाम तक पहुंच गई है। सर क्या राज है इसका और कैसे आपने शुरुआत करी वो हम जानना चाहेंगे। देखिए, राज की जहां तक बात है तो मैं कहूंगा कि अगर सच्चे अच्छे शिद्दत से अगर वो काम किया जाए, अच्छी सोच के साथ एक काम किया जाए, और अगर आपका जुनून, आपका काम में अगर आप जुनून को मर्ज कर देना, तो मैं समझता हूं कि आप कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। और सच है, मैंने झोपड़ी से शुरुआत करी और दो झोपड़ी मैंने स्कूल में बनाई, और आज आप देखिए कि वो स्कूल बहुत बड़ा स्कूल है, और उसके साथ साथ ग्रेटर फरीदाबाद में भी सेक्टर 89 में भी कुंदन ग्लोबल के नाम से हमने एक बहुत बड़ा स्कूल बना दिया। और उसका रीजन यही रहा कि हमने सच्ची निष्ठा,
सच्चे प्यार, सच्ची शिद्दत, जुनून, सारा कुछ जो मेरे पास था वो मैंने स्कूल के अंदर लगा दिया जी। और आज कहते हुए मुझे भी अच्छा लग रहा है, आपको भी अच्छा लग रहा है कि इतने बड़े बड़े स्टार्स हमने स्कूल से दिए हैं। इसीलिए मैं तो ये कहना चाहूंगा, आप कोई भी जीवन में कोई काम करें, चाहे आप एक्टर बनना चाहते हो, स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहते हो, एजुकेशनिस्ट बनना चाहते हो, और या फिर आरजे बनना चाहते हो, तो पूरी शिद्दत से करें। और अर्जुन में मुझे वही शिद्दत दिखाई दे रही है, अर्जुन भी मुझे लगता है एक दिन बहुत बड़ा आरजे बनने वाले। बिल्कुल सर, बिल्कुल ट्रुथ सर, सच में अगर आपकी बात अगर हो गई बिल्कुल सक्सेसफुल तो हम आपके पास जरूर आएंगे सर। नहीं तब तो मुझे लगता है मुझे आना पड़ेगा, तब तो अर्जुन से टाइम लेना पड़ेगा। दोस्तों फरीदाबाद के सभी दोस्तों सुन लें, जब अर्जुन बहुत बड़े आरजे बनेंगे तो मुझे अर्जुन से टाइम लेना पड़ेगा, हमें ढूंढना पड़ेगा और ये कहेंगे कौन भारत। मैनिफेस्टेशन सर, मैनिफेस्टेशन, लेकिन हम टाइम नहीं सर आपके पास खुद आएंगे, चिंता मत करो। सो नाइस ऑफ यू। हां बिल्कुल सर, और आपको सही में बोलते हैं, मैं बिल्कुल सही बात मानता हूं इसको कि आपको भाई भारत भूषण बोलते हैं, क्योंकि आप में से कोई चेयरमैन वाली वाइब आई नहीं रही, आप में से लग रहा है कि भाई है, एक भाई है जो अपने मतलब अपने छोटों को एक आगे रास्ता दिखाने के लिए उनको प्रोत्साहित कर रहा है, बढ़ा रहे हैं उनको, आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ। तो हमने ओलंपिक्स की बात कर ली, ओलंपिक्स में भी निकल निकल कर आ रहे हैं, अब पॉलिटिक्स में भी आपने एंटर कर लिया है जी। और उससे पहले जी आप एडवोकेट भी रहे हैं, ये भी हमने सुना। तो सर ऐसा क्या आपको, आपको ऐसी कौन सी चीज इंस्पायर कर रही है जो आप बार बार कुछ ना कुछ चीज में डेवलपमेंट लेते जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए मैं भाई, भाई की जो शुरुआत आपने कहा वो बहुत सिंपल है जी। जब स्कूल में कोई बच्ची 11, 12, 10th में आती है तो उसे लगता है कि उसे टीचर ने एक भाई चाहिए जी, 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 जो उसको बताए कि लाइफ में क्या करना है, क्या करना है। बॉयज हैं बड़े नटखट होते हैं और उन्हें लगता है कि वो बड़े हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। और अगर उस वक्त आपको टीचर उन्हें समझाए उन्हें लगता है रूल कर रहा है, रूल कर रहा है। लेकिन अगर एक भाई समझाए तो उन्हें लगता है कि मेरे स्कूल में मैं फेमस रहा हूं, कि मेरे स्कूल के अंदर मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मैं कभी कभी उनकी क्लास लेता हूं बड़े बड़े फनी मोड में, तो मैं कहता हूं आज भाई कह के बात करो, सारी मेरी बच्चियां हैं जो भाई कह के बात करो। और आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं बल्लभगढ़ विधानसभा में ही भाई बन गया, और बल्लभगढ़ विधानसभा के अंदर सब लोग मुझे भाई भारत भूषण के नाम जानते हैं। अब यहां जितनी भी महिलाएं हैं, जो लेडीज हैं, वो सब कहती है हमारा भाई है छोटा, भारत हमारा भाई है, हम इसके साथ लेंगे। जितने भी यूथ है, बल्लभगढ़ का जितना भी यूथ है, फरीदाबाद का जितना भी यूथ है, वो कहते हैं भाई कोई परेशानी हो भारत भाई के पास चले जाओ, ये तो ऐसा लगता ही नहीं, डांटेंगे ये तो उस परेशानी का समाधान बताएंगे, तो वो भी कहते हैं भाई भाई भारत है हमारा। और अच्छा ये लगता है कि तो बुजुर्ग लोग भी कहने लगे कि हमारा भाई आ गया, बल्कि जी एज के अकॉर्डिंग बात करो मैं बहुत छोटा हूं, मैं तो बच्चा हुआ आपका। तो इसलिए भाई भारत भूषण मेरा नाम है बिल्कुल, और चल रहा है बस ठीक है। देखो जिससे भी लोगों का प्यार मिले, जिससे भी लोगों को अपनापन लगे, जिससे भी लोगों को ये लगे कि हाँ भाई ठीक है ये हमारी परेशानी को रिजोल्व कर सकता है, सॉल्व कर सकता है, हमारे साथ खड़ा हो सकता है, तो वो नाम में कोई बुराई नहीं है। और मैं डॉन वाला भाई बिल्कुल नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल एजुकेशनिस्ट हूँ और सबकी मदद करने वाला भाई बिल्कुल। सर आपके ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा सर, आप भाई बुला रहे हैं जी। मैं अपनी बात करूँ, एक जोक मेरे को याद आ रहा है, भाई मैं भी चाहता हूँ कि मेरे को दुनिया बुलाए जी, लेकिन उससे नहीं चाहता जैसे मैं चाहता हूँ। नहीं बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो दुनिया में एक ही होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। तो मैं अब बच्चों के लिए भी आपसे, यंग यूथ के लिए भी आपसे मैं ये सलाह लेना चाहूंगा कि जो आजकल बच्चे गलत तरह के रिलेशनशिप्स में फंसते जा रहे हैं, जेन जी जमाना आपने सुना होगा, इंस्टाग्राम पे भी पता नहीं क्या क्या चल रहा है, गलत चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं, नशे पत्ते में उतरते जा रहे हैं, इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, ये सारा मैं मानूंगा शायद ये जो आजकल लोग इंटरनेट में आजकल घुसते जा रहे हैं ना, इतना जो 1.5 GB मिल रहा है इस रोज, मुझे लग रहा है इसकी वजह से उनकी बेरोजगारी का भी एहसास नहीं हो रहा उन्हें। बिल्कुल ये सच है, और ये काफी मीम्स बने हुए हैं कि 1.5 GB की वजह से हमें अपनी बेरोजगारी का नहीं पता एहसास नहीं हो रहा। लेकिन सच ये है कि देखिए कोई भी साधन हो लाइफ में, टीवी, सिनेमा, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, ये सब कुछ अच्छा भी बहुत कुछ देता है, बुरा बहुत सही बात है बिल्कुल। हमें समझना होगा कि अच्छा कहाँ है बुरा कहाँ है जी। और मैं तो अपने सारे यूथ को यही कहना चाहूंगा कि ये टाइम आपका सक्सेस का है, सक्सेस का। अगर आप एक बार सक्सेस हो जाते हैं तो फिर आपको किसी को फॉलो नहीं करना पड़ेगा, दुनिया आपको फॉलो करेगी बिल्कुल। जैसे आज फरीदाबाद सब अर्जुन को फॉलो करता है तो तो इसलिए ये दुनिया आपको फॉलो करे, आप स्टार बने, अपनी लाइफ में सक्सेस लाएं, अपनी लाइफ के अंदर एक ऐसी प्योरिटी लेकर के आए कि लोग आपको नाम से जाने, आपके काम से जाने, काम से जाने। तो मतलब कहते हैं ना कि भाई नाम इतना हो कि काम हो जाए, और काम इतना हो कि काम से नाम हो जाए, काम से नाम। तो ये काम आपका जो है ना वो बोलता है। और इसके लिए क्या है, ये हमारे पास जो यूथ है, यंग एज है, यहाँ हमारे हमें देखना चाहिए कि हम किस किस फील्ड में जाएंगे, हमें कैसे करना है अपनी लाइफ को, कैसे सेटल बनानी, ये सोचने का, फन के साथ, मस्ती के साथ अपनी सिलेक्शन करो, किसी के प्रेशर में मत जाओ, अपने फन का आप स्ट्रीम चुनो,
जिससे आप पढ़ सकते हो कर सकते हो। किसने कहा भी सचिन तेंदुलकर को अगर आप एक्टिंग कराना सिखाएं तो बहुत टफ है, लेकिन अगर तेंदुलकर बैट्समैन है तो उससे ऊपर कोई है नहीं, बिल्कुल वो हम सब देख चुके हैं। तो मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि थोड़ा देखो इंस्टा से फेसबुक को भी, तभी आप आरजे अर्जुन को भी सुन पाओगे हमें भी, लेकिन उससे पहले अपने ड्रीम्स के लिए मेहनत करो। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया बात आपने बताई सर। मतलब आप में से सच में मुझे लग रहा है कि सच में टीचर वाली एक वाइब नहीं आ रही, एक एडवोकेट वाली वाइब नहीं आ रही। मतलब सच में मैं कह रहा हूँ कि आप मेरे भाई हो। मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। मेरे को भी आप मोटिवेट कर रहे हो कि मैं आगे बढ़ूं, हो जाऊं मैनिफेस्टेशन पर से। बिल्कुल बिल्कुल सर, अपने इतनी अचीवमेंट्स की हमने बात कर ली, अब थोड़ा सा आपके समाज सेवा पे भी आते हैं कि आप किस हिसाब से आप समाज सेवा कर रहे हैं। धर्म के बारे में भी जाना कि धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, तो वो काम आप कैसे कर रहे हैं और कैसे आप इसमें अचीवमेंट पा रहे हैं, तो हम जानेंगे। और एक और बात, अभी बात पूरी नहीं हुई, प्लीज प्लीज। देखिए, इस समाज सेवा की मैं बात करूंगा, चाहे वो भूखों को खाना देना हो, चाहे कुछ हो। आजकल के जो यूथ हो रहे हैं ना, चंद व्यूज के लिए, चाहे वो बंदर को एक केला ही क्यों ना दे रहे हो तो वीडियोस बना रहे हैं, जाके चंद व्यूज के लिए। और मुझे लगता है ये बात कहीं ना कहीं थोड़ी सी चीप लगती है। और आप में ये बात नहीं है, आप में आपने इतनी समाज सेवा करी होंगे, लेकिन आज तक कभी भी उस चीज को शो ऑफ नहीं करा। कभी नहीं, ये मैं बहुत अच्छी बात मानता हूं। तो अब बता दीजिए सर, मेरी बात होगी खत्म। देखिए, नहीं, आपने जो पूछा है ना, उसका सिंपल मैं बता रहा हूँ कि मैंने तो शो ऑफ इसलिए नहीं करा कि जब से मैंने समाज सेवा शुरू करी तब से शो ऑफ था ही नहीं, फेसबुक था ही नहीं। तो आज कोई अगर एक केला भी दे रहा है वो भी अच्छी बात, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप दिखाने के लिए वो काम दिखाने के लिए कर रहे हैं। अगर आप मन से कर रहे हैं तो आप उसे दिखा रहे हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन दिखाने के लिए अगर आप वो काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा गलत है, थोड़ा अनैतिक है। और जहां तक समाज सेवा की बात आ रही है, मेरी तो एनजीओ है सोच, सोसाइटी ऑफ क्रिएटिव ह्यूमन। मैं तो 2013 से एनजीओ के थ्रू सारा जो भी चैरिटी करनी होती है वो करता हूं और करता रहूंगा, क्योंकि सोसाइटी आपको बहुत कुछ देती है अर्जुन। और अगर जब आपको बहुत कुछ मिल जाए और अगर आप सोसाइटी को उसको वापस ना दें, अगर आप सोसाइटी के लिए कुछ ना करें, तो एक दिन ऐसा भी आता है सोसाइटी सब कुछ आपसे छीन भी लेती है, एक झटके से छीन लेती है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, इसलिए आपको टाइम टू टाइम थोड़ा थोड़ा चैरिटी करनी चाहिए। और मैं ये कहूंगा कि उसको दिखाना भी चाहिए, क्योंकि कभी कभी आपकी चैरिटी को देख करके बहुत सारे लोगों को प्रेरणा भी मिलती है कि वो लोग जाकर के भी चैरिटी शुरू कर देते हैं। लेकिन दिखाने के लिए चैरिटी कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि उसको थोड़ा सा नहीं करना चाहिए। बाकी तो यूथ है, सब समझदार है, थोड़े में ज्यादा समझ जाते हैं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत यहाँ पर बहुत बड़ी बात आपने कही, बहुत बढ़िया बात आपने कही, मेरे को बिल्कुल अच्छा लगा सर। और सच बताऊं तो आप में से बॉलीवुड एक्टर की भी वाइब आ रही है। नहीं, एक्टर मैं बिल्कुल नहीं हूं, एक्टर बिल्कुल नहीं हूं, बहुत सिंपल एजुकेशनिस्ट हूं। मैंने अभी लॉ की, मैंने बीएससी कंप्यूटर साइंस किया, मैंने एमएससी की, मैंने मास्टर इन सोशल वर्क की, मैं एमएसडब्ल्यू हूं, और अब मैं पीएचडी करूंगा आफ्टर इलेक्शन, लेकिन एक्टर कभी नहीं बनूंगा। नहीं, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। अच्छा, ओके। मेरा कहने का मतलब आपकी लुक से मुझे अच्छा लग रहा है, आपकी लुक से मुझे वाइब आ रही है। सोना, ये तो बड़ा मेरे लिए एक ऐसा कॉम्प्लीमेंट है जो मुझे आज तक लाइफ में किसी ने दिया नहीं। सलमान खान की मूवी में एक मतलब रोल नहीं होता, भाई वाला सबसे मेन भाई वाला। इनकी सब सुनेंगे, इनकी सब सुनेंगे, आपकी वो वाली भाई वाली। देखिए, अच्छी बात है, तो ना चाहे सलमान खान बोले, चाहे अर्जुन, चाहे भारत, बिल्कुल सर, असली बात है, सबकी सुननी चाहिए। भारत भी बहुत अच्छा नाम है सर, भारत नाम बहुत अच्छा है, नाम बहुत अच्छा है, ये मैं मानता हूँ। अर्जुन भारत, मैं ब्लेस करता हूँ कि मेरे फादर साहब इतना अच्छा नाम मुझे देकर गए। आज वो नहीं है, लेकिन मैं हमेशा याद रखता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा नाम दिया, और उस नाम को मुझे फील प्राउड होता है जब मुझे कोई कहता है जी क्या नाम है, इनका जी भारत, तो कहता है अरे यार अपने देश का नाम भी वही, आपका नाम भी वही। और आप तो पता है, आपको पता है इंडिया भी पीछे हट गया, अब तो भारत भारत ही चल रहा है, भारत, सारा भारत भी चल रहा है। तो मुझे तो बड़ा मजा आता है, और मैं प्राउडली कहता हूँ कि मैं भारत हूँ। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा। चलिए सर, अब थोड़ा सा पॉलिटिक्स के बात में आ जाते हैं। जी जी, आप विधानसभा एमएलए पे खड़े हो रहे हैं बल्लभगढ़ से। जी जी, तो यहाँ से आपको किस चीज ने इंस्पायर करा, और ये भी मैं मानना चाहूंगा, और बल्लभगढ़ में आकर हम प्रे करेंगे सर आप बिल्कुल बल्लभगढ़ के एमएलए बने और बन जाएं, तो आप क्या क्या अचीवमेंट करने वाले हैं यूथ के लिए, चाहे वो बल्लभगढ़ की सारी सोसाइटीज हो, चाहे कॉलोनीज हो, जितने भी सारी अचीवमेंट्स हैं, चाहे वो यहाँ पे इंडस्ट्री लाने की बात हो, चाहे वो यूथ के जॉब्स की बात हो, जॉब्स की, तो सबके लिए आप क्या क्या करने वाले हैं? देखिए, बिल्कुल अगर बात पॉलिटिक्स की है तो बहुत सिंपल सी बात जी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा सोसाइटी आपको बहुत कुछ देती है, सोसाइटी क्या देते हो? मैंने दो झोपड़ियों से दो बड़े शानदार स्कूल, बिल्कुल सर,
आज मैं बल्लभगढ़ में जन्मा हूँ, पला हूँ, बड़ा हूँ, मैं वहाँ की परेशानियों को जानता हूँ, वहाँ के लोगों को जानता हूँ, उनके लोगों से मैं रूबरू बहुत डेली होता हूँ, तो मुझे लगता है कुछ बड़ा करना है। और बड़ा कर आप कब करेंगे? जब करेंगे जब आपके पास पावर होगी, पावर यानी कि गवर्नमेंट में आप हो, बिल्कुल, तो आप लोगों की मदद कर सकते हैं। और इसीलिए मैंने सब कुछ छोड़ करके अब पॉलिटिक्स को अपनाया, और वो इसलिए अपनाया है कि अब मुझे समाज सेवा करनी है, बहुत बड़े लेवल पे करनी है। जहां तक कॉलोनी की बात है, मोहल्ले की बात है, पड़ोस की बात है, फैक्ट्री की बात है, बल्लभगढ़ के अंदर सबसे पहले मुझे जो मैं एक एस्टेब्लिशमेंट लाना चाहता हूँ, वो बल्लभगढ़ के अंदर ही लाना चाहता हूँ कि एक ट्रस्ट डेवलप हो पॉलिटिशियन के प्रति। सबसे ज्यादा आज जो परेशान जनता होती है, पॉलिटिशियन पे ट्रस्ट ही नहीं करती। ट्रस्ट नहीं कर, क्यों? क्योंकि पहले कुछ होता है, बाद में कुछ होता है, बाद में कुछ तो होता है। हम एक विश्वास पैदा करेंगे, उन लोगों को ये महसूस हो कि उनके बीच का ही कोई भाई उनका सेवक है और राजनेता है, और कहीं उन्हें ये महसूस हो कि भाई इससे हम डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। कनेक्टिविटी जो है ना, कनेक्टिविटी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी कनेक्टिविटी किसी से सही है ना, तो आप आधी परेशानियों को तो वैसे ही दूर कर लेते हैं। बिल्कुल सर, सीधी सीधी बात है जी। तो ये सब कनेक्टिविटी अच्छा करना, ट्रस्ट फेथ कर जनरेट करना, और डेवलपमेंट की बात है, डेवलपमेंट के तो हमारे पास वी हैव अ लॉट्स ऑफ एजेंडास, और उन्हें हम सब करेंगे। और बल्लभगढ़ के लिए हमने बहुत बड़ा अच्छा अपनी खुद की एक प्लानिंग की है, बहुत सब सही है, समय आने पर हम उसे पब्लिकली करेंगे कि हम क्या क्या बल्लभगढ़ के लिए सोच रहे हैं। तो सब कुछ तैयार है खाका, और उसे कभी किस दिन बल्लभगढ़ के सामने रखेंगे। बिल्कुल सर। और सर आप में ना उत्साह दिख रहा है जी, जी, जी। लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के लिए, अचीवमेंट के लिए, युद्ध के लिए, और एक मोटिवेशन भी दिख रही है जी। बिल्कुल, तो पूरी उम्मीद है सर आप तो कुछ करने वाले हैं बल्लभगढ़ के लिए। अर्जुन एक बात बताओ, जब बल्लभगढ़ ने मुझे इतना सब कुछ दिया, बल्लभगढ़ ने मुझे कहां से एक दो झोपड़ियों से उठा करके और इतना बड़ा अपना मुकाम, स्कूल दे दिए, इतनी बड़ी सोसाइटी दे दी, पहचान दे दी, जिस पहचान के लिए इंसान भागता है, तो क्या मेरे अंदर उत्साह ना हो? मुझे मेरे अंदर उत्साह है कि मुझे सब कुछ मिल गया है, मुझे इसे लौटाना है बल्लभगढ़ को, और कैसे लौटाऊंगा? उनकी सेवा करके, उनके साथ खड़ा होकर, सेवा करके। हाँ। जी हाँ सर, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और इतनी सारी चीजें हमको सीखने को भी मिली आपसे, एक उत्साह दिखा, उत्साह भी सीखने को मिला हमको, लोगों के प्रति, समाज के प्रति हमें एक ये उत्साह भी देखने को मिला। बिल्कुल। तो सर अब एक आम आदमी की बात करें तो अपने काम में इतना बिजी हो जाता है कि अपने एंजॉयमेंट के लिए, अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए वो अपने आप को टाइम देना भूल जाता है। तो लेकिन मुझे लगता है कि आप अपने मानसिक संतुलन को एकदम बढ़िया बनाने के लिए मुझे लगता है आप समाज सेवा ही करते हो। हाँ बिल्कुल। और आपको अच्छा लगता है, सीधी सीधी बात है, और हमको सुनने से इतना अच्छा लग रहा है, तो आपको करने पर कितना अच्छा लगेगा? बिल्कुल। तो अब लेकिन मेरा बात, ये बात कहने का मतलब ये था कि वैसे समाज सेवा से हटके जब आपको आपका मनोरंजन करने का आपको टाइम हो, जैसे कि हमारा रेडियो है सर, आपको मनोरंजन का टाइम हो, तो आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए आप क्या काम करते हैं? जैसे कोई लोग क्रिकेट खेलता है, कोई गेम खेलता है, कोई गाना गाता है, कोई डांस करता है, आप क्या करते हो? देखिए म्यूजिक, सबसे पहले तो म्यूजिक का जो मुझे बहुत शौक है, मैं जब भी खाली होता हूँ और कभी अलोन फील करता हूँ तो मैं म्यूजिक चला करके अच्छे अच्छे सॉन्ग सुनता हूँ, और वो सब आपको बिल्कुल एक मेडिटेशन का एक होता है। और उससे भी ज्यादा जो जरूरी बात है, नेचर से कनेक्टिविटी। सही बात। जब आप नेचर से कनेक्टिविटी करते हो, आप कहीं शांत एक जगह बैठ जाओ, किसी पेड़ के नीचे बैठ जाओ, तालाब के किनारे बैठ जाओ, कहीं पानी के साथ बैठ जाओ, झरने के साथ बैठ जाओ, तो आपको एक नेचर से कनेक्टिविटी आती है और आपको एक प्रेरणा मिलती है कि नेचर ही सब कुछ क्रिएट कर रहा है। सही बात है सर। देयर इज ओनली वन क्रिएटर इन दिस वर्ल्ड, गॉड। उसने सब कुछ बनाया है, हमें भी, आपको भी, सब कुछ, ये सब कुछ नेचर ने बनाया है। और हमें महसूस होना चाहिए कि नेचर से जब कनेक्ट होते हो तो ऐसा लगता है आप अपना एक्चुअलिटी में आ गए हो। तो म्यूजिक सुनो और नेचर से कनेक्टिविटी बढ़ाओ। जब दो काम आप कर लेते हो तो आपकी स्ट्रेस बिल्कुल खत्म हो जाती है, और फिर आप अपने लक्ष्य की तरफ चलने लग जाते हैं। बिल्कुल। और फिर वही एनर्जी आपके साथ बूस्ट हो जाती है। बिल्कुल जी। जी सर, बहुत बढ़िया बात आपने बताई, एकदम मेरी वाली बात कर रहे हो आप। अच्छा। कि मैं भी अपना एंजॉयमेंट के लिए गाने सुनता हूँ। वेरी गुड। क्योंकि हम गाने चलाते हैं ही यहाँ। हाँ जी, हाँ जी। अब आपको एंजॉयमेंट हम कराएंगे भी। हाँ हाँ। आप कौन सा गाना सुनना चाहोगे? सबसे पहले तो आप ही बताइए, अब आपके एंजॉयमेंट की बात कर ली हमने। जी जी जी, जी। अब आपको कौन सा गाना पसंद है, वही गाना हम चलाएंगे। देखिए यूथ के लिए तो आप कोई भी नया ही सॉन्ग चलाना, मैं तो थोड़ा ओल्ड मॉडल हूँ। जी सर, यहाँ पे सारे गाने चलते हैं। मैं तो पैट्रियोटिक जो सॉन्ग है वो मैं ज्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन उसमें कोई आप अपना अच्छा सॉन्ग सेलेक्ट कर लो जिसको आप कर सकते हो, और यूथ के लिए एक अच्छा सा रोमांटिक सॉन्ग भी मेरी तरफ से डेडिकेट कर देना आज। आप बताइए कौन सा गाना चलाना है, कोई भी हो। अच्छा, कोई भी गाना चलाएंगे तो वो एक, मुझे सॉन्ग तो अच्छे से याद नहीं है, वो कौन है जो अभी एक हीरो एक्सपायर हो गया था, वो के नहीं नहीं वो जो हीरो नहीं सिद्धू बोसे वाला मैंने नहीं सुना ज्यादा
वो कैफियत पूछो ओके ओके हाँ वो है ना एक सॉन्ग आपका तुम्हारी तस्वीर के सहारे तो ये सॉन्ग अगर आ जाएगा तो फिर अच्छा है क्योंकि मैं तो सारे दिन ना पॉलिटिशियन स्पीच देता रहता हूँ तो आजकल सॉन्ग दिमाग में आता नहीं है बिल्कुल हाँ और ये आप मेरी तरफ से करें तुम्हारी तस्वीर के सहारे बिल्कुल यही गाना चलेगा आपके फरमाइश में आप भी ऐसे फरमाइश कर सकते हैं अगर आपको गाना चलवाना है तो और हमारे रेडियो के सेट पे 7056372030 ये बंदे का नंबर है आप जब मन चाहे तब कॉल कर सकते हैं और अपने मनपसंद का गाना आप कोई भी यहाँ पर चलवा सकते हैं जैसे सर ने चलवाया आपके लिए बिल्कुल तो अब सर बहुत बहुत अच्छा लगा कितनी बार बोल चुका हूँ अच्छा ही लग रहा है मुझे भी बहुत अच्छा लगा अर्जुन से बात करके और वास्तव में आपके पास भी एक ऐसी एनर्जी है जिस एनर्जी के साथ बैठ करके आदमी रिफ्रेश हो सकता है मैं अब मेरे जो तीन चीजें हो गई मैं म्यूजिक सुनूंगा नेचर के साथ रहूंगा और जब मैं ज्यादा बोर हो जाऊंगा तो अर्जुन के पास आ जाऊंगा बिल्कुल सर ऑलवेज वेलकम सर ठीक है चलो सर अब लास्ट में आप लोगों को अपने हमारे यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जी मैं तो बस यही कहना चाहूंगा सारे यूथ को कि बेटा नशा से दूर रहो कोई भी गलत किसी भी रास्ते को मत पकड़ो क्योंकि जो हमारे पेरेंट हैं हमारे गार्जियन हैं हमारे मेंटर हैं हमारे माँ बाप जो हैं हमारे जो सब कुछ फैमिली है वो आपको बड़े बारीकी से आप पर विश्वास करके सब कुछ लगाए हुए हैं और वो उम्मीद करते हैं कि आप एक दिन बहुत सक्सेसफुल बने उनका बहुत नाम हो हमारे पेरेंट को बहुत प्राउड फील हो लेकिन छोटी सी एक गलती जैसे ड्राइविंग रश ड्राइविंग करना कुछ इस तरीके की ड्रग्स या कोई नशा कर लेना कम उम्र में ये हमारे लिए बहुत खतरनाक होती है और हमारे पेरेंट्स का बड़ा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है अगर वो ऐसी किसी एक्टिविटी में हमारे बच्चों को देखते हैं मैं चाहूंगा कि बेटा पहले मैच्योर बने 25 साल की उम्र तक आप नशे से बिल्कुल दूर रहें अगर उसके बाद कोई छोटे मोटे शौक आपके अंदर आते हैं तो आपके अंदर एक मैच्योरिटी होती है लेकिन उससे पहले आप इन सब चीज़ों से दूर रहें ये मेरी रिक्वेस्ट भी रहेगी और अगर एक भी बच्चा फरीदाबाद का मेरी बात सुन करके नशा छोड़ता है तो वो मेरे लिए सबसे अच्छा दिन होगा बिल्कुल सर बहुत बहुत अच्छी बात कही यहाँ पर और हमें बहुत बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये टाइम ये पल ये बातें फिर दोबारा से फिर दोबारा मिलेंगे मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ फिर दोबारा मिलेंगे सर एक और बार जी और मिलते ही रहेंगे सर ठीक चलिए चलिए सर आप नमस्कार करते हैं आप लोगों से नमस्कार थैंक यू वेरी मच बिल्कुल सर ओके ओके बाय बाय तो अब हमारे साथ बने रहने के लिए नंबर तो मैंने आपको बता ही दिया है 7056372030 ये बंदे का नंबर है शो का नाम जॉकी टॉकी था और बंदे का नाम आरजे अर्जुन है चलो भाई अब मेरे जाने का समय हो गया है अब बाय बाय करते हैं चलिए बाय बाय गाइस फिर दोबारा लौट कर आएंगे बाय बाय हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन